Snoopy! Look on Snoopy! अरे माँ जी, हमला संभाल पाई से वरना हमारी के काट खाई। स्नूपी, स्नूपी, हे भगवान, ये तो अजूबा हो गया। बेटा, तूने ये कैसे किया? कैसे किया छोड़िए, इसने मेरा कोल्ड पैक यूज किया। हाय, जीजी का कोल्ड पैक कुत्ते को लगा दिया, अब जीजी क्या यूज करेगी? माँ जी, जिसने शेर जैसे कुत्ते को काबू में कर लिया, वो तो डायन और चुड़ैल दोनों को काबू में कर सकते है। सॉरी बेटा, पता नहीं स्नूपी कैसे खुला छूट गया, बड़ा शैतान है वो। नहीं आंटी जी, शैतान का है, बहुत ही प्यारा है वो। और सॉरी आप क्यों बोल रही हैं? सॉरी बोलने तो हम आए थे यहाँ रागनी दीदी से। रियली, मुझे तो लगा अपनी कल की गई बदतमीजी के लिए तुम फोन पे सॉरी बोलोगी, फिर तुम तो घर ही आ गई। गुड, आई गेस अब मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच। वैसे अब समझ में आया ना कि हमारे सामने अकड़ने वाली गर्दनें झुक भी जाती है। अच्छा हुआ तुम्हारी अकल जल्दी ही ठिकाने आ गई और तुम अपनी नाक रगड़ते हुए हमारे यहां हमसे माफी मांगने चली आई। वैसे यू नो, तुम मिडिल क्लास लोगों की ना यही तो प्रॉब्लम है, औकात तो है नहीं पर अकड़ पूरी दुनिया भर की है। एक मिनट, अगर हम सच कहें तो हम यहां पर कल के लिए नहीं बल्कि उस दिन के लिए माफी मांगने आए थे जब हमारी वजह से आपको अपने बाल कटवाने पड़े थे। बल्कि उस चिंगम से तो हम आई एम सॉरी का नोट चिपकाने की कोशिश कर रहे थे पर किस्मत धोखा दे गई। और रही बात कल की, तो जो हमने कल कहा था वही हम आज भी कहेंगे, पर आपको शायद हमारी बात बुरी लग गई। पर हमारा यकीन मानिए, आपका दिल दुखाने का इरादा हमारा हरगिज नहीं था। और एक आखिरी बात, अगर हम सही के लिए आवाज उठा सकते हैं तो गलत के लिए सर झुका भी सकते हैं। और जो जीजी का कोल्ड पैक कुत्ते को लगा दिया उसका क्या? हाँ, अब जीजी क्या यूज करेगी? अब तो नया लेना पड़ेगा। वो क्या है ना, गर्मी तो सबके लिए एक जैसी होती है, इसीलिए इतना भौंक रहा था और जैसे ही कोल्ड पैक रखा एकदम शांत हो गया। अब आगे से जब कभी भौंके ना तो आप लोग यही तरीका यूज करिएगा, इससे आपका और उसका दोनों का दिमाग शांत हो जाएगा। अच्छा आंटी, चलते हैं हम। अच्छा बेटा। रागनी दी, सॉरी एक बार फिर से आपके बालों के लिए।
सौम्य मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? सौम्या ये क्या कर रही थी? सॉरी सॉरी, वो ना मैं स्टंट ट्राई करने की कोशिश कर रही थी। तू ये बता कि क्या हुआ बिरला हाउस में? ये फूल कहाँ से आए इतने सारे? ये बालों पर, कपड़ों पर? कहा था कि दूर रहा कर, एलर्जी है। यार लंबी कहानी है, बाद में बताती हूँ। तू ये तो बता कि वो तेली सोप की वैम्पायर भाभियों ने कुछ कहा तो नहीं तुझे? कहा तो बहुत कुछ, लेकिन हमने भी जवाब दे दिया। अरे वाह शाबाश। तो अब ये कि अगर मम्मी को पता चला ना तो वापस सॉरी बोलने जाना पड़ेगा। तू वो फिकर छोड़, तू ये स्कूटी ले और सीधा जीटी रोड से घर निकल, ठीक है? मैं ऑटो से जाती हूँ। हम कैसे जाएंगे अकेले? तू साथ चलना। अरे तुझे ठीक से चलानी आई नहीं है ना स्कूटी, अकेले प्रैक्टिस कर, ठीक है? ओके। लेकिन सौम्या, सुन सुन सौम्या, पागल ये। पागल तो मैं और तेरे साथ। जब हम सिविल लाइंस की तरफ से घर जा सकते थे तो तूने ये टूटी हुई सड़क क्यों ली? अरे यार गुरु, इंजन से ज्यादा तो तुम घर में आओ। अच्छा एक काम करो, ये लो पानी, ड्रिंक किया लो। उखड़े मूड में तुम्हें हम, हमारी ड्राइविंग, हमारे काम सब बेकार लगेंगे। शरद अगर मेरा मूड अच्छा भी होता ना तो तेरी शक्ल देख के खराब हो जाता। मेरी लाइफ का सबसे डम बंदा है तू। हाँ तो ठीक है, दो चार मिनट और रुक जाओ, मुंह पर थोड़े किसी की इतनी बेइज्जती करते हैं। भाई उड़न तस्करी, जरा हमारी तरफ भी नजर मार के जाओ। बकवास ना करो, जाने दो हमें, वरना बहुत पछताओगे। अरे पछताना तो हमको बहुत है पसंद है। अरे ओ चिड़िया रानी, जरा हमारी मोहब्बत की खेती में भी तो दाना चुनने आओ। देखो आगे मत बढ़ना, अगर एक कदम भी आ गया है ना तो समझ लेना। अरे डिओडोरेंट होगा, छिड़कवा ले छिड़कवा ले। अरे इधर 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 छिनका छोड़ो। बहुत मार ली पिचकारी, अब देखो क्या होता है तुम्हारे साथ। पकड़े इसको, पकड़े पकड़े इसको, बहुत फिलफिल आ रही है। बकवास ना करो, छोड़ो मैं छोड़ो छोड़ो। रानी और तेरा ये हेलमेट दे दे मुझे रानी। चेहरा तो दिखा। क्या हुआ तुझे, इतनी तेज क्यों चला रहा है? कहाँ पहुंचने की जल्दी है? जीटी रोड पहुंचने की। जीटी रोड क्यों?
वो सब स्कूटी वाले वहीं से निकलते हैं ना। क्या मेरा मतलब है गुरु, वहाँ पर ट्रैफिक कम मिलेगा ना थोड़ा। अरे यार बहुत सवाल कर, तो गाड़ी चलाने दो, अरे हमारा कॉन्सेंट्रेशन खराब होता है यार। शायद गाड़ी रोक। अरे बाप रे, लड़की के पीछे गुंडे। गुरु मैं तो कहता हूँ यहाँ से चुपचाप निकल लेते, वैसे भी बैड लक चल रहा है लड़की के मामले में। शायद गाड़ी रोक। गुरु मैं तुमसे कह रहा हूँ गुरु, वो खड़ी मेरी, देखो मेरी बात गुरु। हमको भी चेहरा देखना है। तेरा चेहरा तो दिखाओ। हाँ बोल, मुझे आप ही से बात करनी थी। अरे गुरु तो धोते ही जा रहे हैं यार। सौ सौ रुपए में बात हुई थी, हजार हजार का मार दिया। अरे ये तो भूजी भी निकली। बस करना यार, इतनी मारने की बात थोड़ी ना हुई थी हमारे बीच। क्या हद होती है। हाँ भाई, अगर इतना हाथ में तोड़ोगे ना तो हम ये नाटक नहीं करेंगे। डील कैंसिल। अरे चल भाई। अरे पर हो कौन? हाँ भाई माफ करो हमें, और जो आगे का नाटक है ना वो मैडम को बताओ, हमें नहीं। अबे जा कर रहे हो, कौन सी डील? अबे ओए सुन दे, अबे किसके हो? तो ये सब तुम्हारा नाटक था। देखो मैं नहीं जानता ये लोग कौन थे क्या। Exactly. तुम कुछ भी नहीं जानते। जब एक लड़की के साथ ऐसी घटना होती है ना तो उसे कैसा फील होता है, वो दर्द वो डर, तुम कुछ भी नहीं जानते। एक पल के लिए हमको ऐसा लगा कि जैसे मैं अपनी जिंदगी ही खो दी। देखो ऐसी कोई बात नहीं है। तो क्या बात है, हीरो बनने आए थे? देखो अगर हीरो बनने का इतना ही शौक है ना तो जाके फिल्मों में ट्राई करो। किसी लड़की के साथ ऐसा घटिया मजाक करने की कोई जरूरत नहीं, और खासकर हमारे साथ तो बिल्कुल भी नहीं। बस अब बहुत बोल दिया ना, अब बस। हमें नहीं पता था कि इतने बड़े घर के लड़कों की सोच इतनी छोटी होती है। एक तो गलती की, ऊपर से सॉरी भी नहीं बोला। लिसन, तुम जैसे बदतमीज लोगों से मैं बात भी करना पसंद नहीं करता। सॉरी तो बहुत दूर की बात है। बदतमीज? बदतमीज हमें या तुम? अभी अभी तुमने जो ये कारनामा किया इसे बदतमीजी नहीं बेहद ही सड़क छाप हरकत कहते हैं। And I'm sure कि तुम यहाँ पर अपनी भाभी की इंसल्ट का ना बदला बदला लेने आए थे। वो तो अच्छा हुआ कि तुम्हारी पोल बीच में ही खुल गई, वरना हम तो यही समझते रहते कि एक नेक दिल इंसान ने हमें गुंडों से बचाया। You know what? तुम जैसी लड़कियों की मदद करना दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफी है।
आई मीन मुझे थैंक यू बोलने के बजाय तुम मुझसे सॉरी एक्सपेक्ट कर रही हो। अरे वो गुंडे कुछ कह क्या गए और तुम्हें उनकी बात पर ट्रस्ट है? वाह क्या सोच है तुम्हारी। हमें छोड़िए और खुद के बारे में सोचिए। पहले गुंडे भेजते हो, लड़की को परेशान करवाते हो और फिर चले आते हो हीरो बनकर उसे बचाने। ये दुनिया का सबसे थर्ड क्लास ना और घिसा पिटा तरीका है। तुम्हारे लिए फन होगा लेकिन एक लड़की के लिए घटिया सा मजाक है। और हाँ, आइंदा से हमारे मामले में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, हम अपना ख्याल रखना जानते हैं। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।